आज से घर घर विराजेंगे गणपति बप्पा। गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों में दिख रहा काफी उत्साह। वहीं इस बार स्थानीय कलाकारों ने गणेश प्रतिमा को कई स्वरूप दिए हैं। 10 दिनों तक गणेश उत्सव का पर्व शहर में धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया जाएगा। जिला सतारा में मूर्तिकार ने गणेश जी की ऐसी मूर्ति बनाई है कि उनके पांव छूते ही अपने आप मूर्ति खड़े होकर आशीर्वाद दे रही है, जैसा कि आप वीडियो में स्वयं देख सकते हैं। सतना CMHO की एक और लापरवाही आई सामने। मरीज खड़ा है पर टेबल पर टांग रखकर टाइम पास कर रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर। मुकुंदपुर में टाइम पास का दौर हुआ शुरू। मौसमी बीमारी वायरल फीवर का दंश झेल रहे मरीजों को नहीं मिल रहा उपचार। दर दर भटक रहे हैं मरीज। 2 डॉक्टर है उक्त स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ। एक के सोते का वीडियो हुआ सोशल मीडिया में वायरल। दूसरे टेबल पर लात रख के बैठने वाले हैं डॉक्टर नवाब। थाना अंतर्गत सुनौरा चौराहा रनेड़ी मोड़ रोहिणी बाईपास एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट में सैकड़ों की संख्या में आवारा जानवर बन रहे दुर्घटनाओं का कारण। आए दिन हो रहे एक्सीडेंट से जहां आम जन घायल हो रहे हैं, वहीं जानवर भी मृत हो रहे हैं। नगरीय प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। सतना के लोग इस वीडियो से सीख ले, जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। अक्सर रेलवे फाटक पर हम कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कभी कभी बहुत ही भारी पड़ जाता है। रेलवे फाटक पार करते समय जल्दबाजी ना करें, आपकी लापरवाही आपके लिए हो सकती है जानलेवा। अंकुरण तरु पर्यावरण संरक्षक संस्था ने अध्यक्ष अंकुरण सीमा अग्रवाल के नेतृत्व में स्थानीय कोलंबिया स्कूल में बच्चों को आने वाली गणेश चतुर्थी को देखते हुए मिट्टी के रंगों और बीजों से गणेश प्रतिमा बनाना सिखाया, ताकि बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जानकारी मिल सके। इस इको फ्रेंडली प्रतिमा से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। सभी छात्रों ने सहर्ष स्वीकार की और संकल्प लिया कि इस बार अपने हाथों से पर्यावरण सहयोगी गणेश प्रतिमा बनाएंगे। इस अवसर पर संस्था के सदस्य रहे उपस्थित। मझगवा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पडरी में ग्राम रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार के आरोप। जांच के लिए ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में मझगवा SDM को सौंपा ज्ञापन। जिले के मझगवा जनपद पंचायत के ग्राम पडरी के सैकड़ों ग्राम वासियों का मुख्य आरोप है कि सचिव एवं रोजगार सहायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक में जितनी भी व्यक्तियों को आवास योजना का लाभ दिया, उनमें से किसी भी हितग्राही को मजदूरी की राशि व भुगतान नहीं किया गया। तो पता नहीं है कि आवत है कि नहीं आवत, चुनाव चला। आवाज वगैरह मिला आपको? हाँ। मिला है? घर मिला है आपको? नहीं। घर नहीं मिला? किस बात का पैसा मांग रहे हैं लोग? किस लिए आए हैं? मजदूरी के खातिर आई हूँ कॉलोनी के भैया, नहीं दिए अब परवीन, नहीं दिए, नहीं दिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं कहा जानू की कहे नहीं दियाता है कि का वही मैं का हूँ का वह का बेगार। इसकी शिकायत आपने शासन प्रशासन से की है? मैं नहीं कहता हुआ हूँ भैया, वो कहा थे कि काया तो है जहाँ मैं लांगर मराई हूँ। क्या कुछ मांग? सतना जिले के थाना ताला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुसैया गुईसा एवं विधुई खुर्द के बीच बीहर नदी में मानवता को शर्मसार करने वाली वीडियो आई सामने, जिसमें कुछ लोग गायों को नदी में जबरदस्ती धकेल रहे हैं। वीडियो के वायरल होने पर अपराधियों पर प्रशासन ने की कड़ी कार्रवाई। सतना जिले के थाना ताला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुसैया गुईसा एवं विधुई खुर्द के बीच बीहर नदी में मानवता को शर्मसार करने वाली वीडियो आई सामने, जिसमें कुछ लोग गायों को नदी में जबरदस्ती धकेल रहे हैं। वीडियो के वायरल होने पर अपराधियों पर प्रशासन ने की कड़ी कार्रवाई।